दोस्तों आपको अपना एयरटेल वॉलेट को बंद करना है, डिलीट करना है हमेशा के लिए। तो आप इस एयरटेल वॉलेट को कैसे बंद कर सकते हो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों मैं तैयारी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको अपना एयरटेल वॉलेट को बंद करना है, डिलीट करना है हमेशा के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना कॉल वाला ऐप ओपन कर लेना है। और ऐप ओपन होने के बाद आपके अगर जियो की सिम है, बीएसएनएल की सिम है या तो बीआई की सिम है, तो आपको ये वाला नंबर अपने मोबाइल में डायल कर लेना है। और ये नंबर आपको अपने मोबाइल में डायल करने के बाद, अगर आपका एयरटेल का सिम है तो यहाँ पर आपको ये नंबर नहीं डायल करना है, आपको फिर डायल करना है 400 और इतना डायल कर आपको कॉल लगा देनी है। दोस्तों दोनों का प्रोसेस सेम रहने वाला है, बस आपकी अगर सिम जियो की है, बीआई की है, बीएसएनएल की है, तो आपको ये वाला नंबर डायल करना है, उसके बाद आपको कॉल लगा देनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक दबा देना है। उसके बाद आपको हिंदी के लिए यहाँ पर दो दबा देने हैं। कृपया अपना अपना एयरटेल वॉलेट को बंद करना है तो यहाँ पर आपको 5 दबा देना है। हम आपको अपना अकाउंट ब्लॉक करने की सलाह देंगे ताकि और कोई फ्रॉड लेन देन न हो। फोन बैंकिंग ऑफिसर के साथ संपर्क करने के लिए 1 दबाएं। तो यहाँ पर आपको 1 दबा देना है। हम आपकी कॉल फोन बैंकिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि आप फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कर सकें। आपका कॉल वेट टाइम 3 मिनट है। आपकी 2000 years later। तो दोस्तों इस नंबर को डायल करने के बाद आपको यहाँ पर एक टाइम मिलेगा कस्टमर केयर से बात करने का, तो आपको उस दिन वेट करना होगा। उसके बाद आपकी जो कॉल है कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाएगी। उसके आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से बात करनी है और आपको किस तरीके से अपना एयरटेल वॉलेट को डिलीट कर। मुझे अपना एयरटेल वॉलेट बंद कराना है। अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं जी? आपको बताना चाहेंगे सर कि आपके इस अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट तो नहीं आने वाला था ना? नो, कोई भी कुछ नहीं है आने का। कोई टैक्स ऑफर तो नहीं आने वाले थे? नहीं नहीं। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है अकाउंट को क्लोज करने की, हम रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 60 वर्किंग डेज का वेट करना होगा आपके अकाउंट को क्लोज होने के अपडेट मिलने के। दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको आपकी रिक्वेस्ट नंबर भी दिख जाएगा और 3-4 दिनों में आपका वॉलेट भी ब्लॉक हो जाएगा और आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोल सकते हैं।